अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई को कोई कुछ कह सकता है क्या? हाँ कह सकता है, सिस्टम सिस्टम भाई अभी सिस्टम सिस्टम भाई साहब, सिस्टम हिलाने वाले का खुद सिस्टम हैंग हो गया है। तो मैं भाई क्या गले में सांप पहनता हूँ, मेरे व्लॉग देखते हो सांप पहनता हूँ मैं गले में। माना कि हम इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री में नहीं आते मगर मेंटली भी नहीं आते, मुझे ये नहीं पता था। मतलब हम क्या देख रहे हैं यार, इससे अच्छा तो मैं जीसीबी की खुदाई देख लूं। हैं फेमिनिज्म का वो दे रही है भाषण, दे रही है फेमिनिज्म का ये ऐसे ऐसे कर रहा हुआ है। एक बात मुझे समझ नहीं आती यार, किस आदमी को फेमिनिज्म से क्या दिक्कत है? यही तो वो लोग है जिनकी वजह से फेमिनिज्म की जरूरत पड़ी है। राम राम भाई सबको, मैं हूँ सुहानी और ये है सिद्धार्थ यादव, नहीं समझे एल्विश यादव। यार यार इनके बारे में आज बात थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, क्या करूं इनके कांड इतने ज्यादा है। तो सबसे पहले फिल्मी जाट गर्ल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आगे की बात तब करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या आपको इस तरीके के इन्फ्लुएंसर चाहिए? भाई साहब ये आदमी अपने आप को सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बताता है, मतलब आप क्या कहना चाहते हो लोगों को कि भाई साहब लड़कियों को गाली दो और चलती हुई लड़कियों पे कमेंट्स करो भद्दे भद्दे, उसके बाद अपनी वीडियो में चार बार सिस्टम 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 चिल्ला दो और कहो कि हम तो सच बोलते हैं, बातें बुरी अपने आप लग जाती हैं, और उसके बाद आप ये कहते हो कि हमसे बड़ा राम भक्त तो कोई नहीं है। मतलब एल्विश भैया के हिसाब से हर इन्फ्लुएंसर को ऐसी चीजें करनी चाहिए। भाई ये वही इंसान है जिसने बिग बॉस को रोस्ट किया था और उसके बाद ये वहां टिंडे लेने के लिए गए थे शायद, मैं समझ नहीं पाई, और यूट्यूब कम्युनिटी ने इतनी ज्यादा खुशी मनाई है इस चीज की कि क्या बताऊं, प्राउड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है, क्या प्राउड मोमेंट है। इतनी खुशी तो चंद्रयान की नहीं मनाई जितने तुमने एल्विश की जीत की मना दी। भाई साहब ये जीत का जश्न यही नहीं रुका, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से भी इन्होंने स्टेज शेयर किया है। मतलब इस टाइम पर मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगा जो हरियाणा के प्लेयर्स हैं, जो दिनों रात कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ये भाव नहीं दिया जाता जो हमारे एल्विश भैया को मिल रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम सिस्टम बोलकर आप सीएम से भी मिल सकते हो जाकर। एक बात तो पक्की है कि इंसान फेम के लिए भूखा होता है और जब ये फेम उसे मिल जाती है तो उसे लगता है कि वो सब कुछ ट्राई कर सकता है। तो एल्विश भैया ने सोचा चलो मैं बनाता हूँ अपनी एक एल्बम और उसमें करता हूँ एक्टिंग। लेकिन ये उस टाइम पर ये भूल गए कि आप अपनी वीडियोज में जिससे आप इन्फ्लुएंसर बने उसमें सलमान और अर्जुन कपूर को उनकी एक्टिंग के लिए रोस्ट किया करते थे। सलमान खान की गाड़ी के नीचे जो डेड बॉडी पड़ी होती है ना, वो भी आपसे अच्छे एक्सप्रेशन दे लेती है। मतलब ये सारा जहर मैं अकेले क्यों बर्दाश्त करूं, चलो तुम भी देखो एक बार। वैसे एक बात तो है, एल्विश भैया की हालत पे मुझे तरस आता है, बुरा लगता है कि पैसे कमाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता यार। मतलब अगर यही सब करना है, एल्बम ही बनानी है, इससे अच्छा तो यार आप बेटिंग ऐप का प्रमोशन कर लो, वो थोड़ा बेटर करते हो आप। और ये आदमी यही नहीं रुकता है भाई साहब, अब पैसा कमाने के लिए ये आदमी सांप का जहर तक बेच रहा है। अभी तक सिर्फ गानों और अपनी बातों के जरिए हम तक जहर पहुंचाता था। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि भैया पे हाल ही में केस दर्ज हुआ है नोएडा के सेक्टर 49 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू भाई साहब को 7 साल की जेल भी हो सकती है। और इनके पास बहुत सारे सांप भी मिले हैं। और एक और बात बताओ, अगर आप इतने ही सच्चे बनते हो तो सोशल मीडिया पर आकर अपनी सफाई देने की क्या जरूरत थी? अगर आप सच हो तो जाओ जाकर बात करो सिस्टम से जिसको हिलाने की आप हर बार बात करते रहते हो। जरा देखो इनकी सफाई, क्या बोला है इन्होंने एक बार, मेरा इसमें आधा परसेंट भी मेरी तरफ से कुछ भी निकलता है कि भाई एल्विश यादव इसमें ऐसे इन्वॉल्व है और एल्विश यादव की ऐसे बातचीत हुई है, कैसे भी किसी भी प्रकार से हुई है भाई, मैं खुद सरेंडर करने को रेडी हूँ। और जो सजा होती है ना इसमें पूरी प्रॉपर, चाहे इसमें 10.5 साल की सजा हो चाहे 100 साल की सजा हो, हम भुगतने को रेडी हैं। देख लो भाई आपने इन्फ्लुएंसर की हरकतें, मतलब ये इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हैं तो भाई साहब कोई भी इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आ सकता है। और 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद आप जिस तरीके का मैसेज आप दे रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो इन्फ्लुएंसर की सही परिभाषा में कहीं पर बैठता है। तो बस यार अब चलते हैं, इससे ज्यादा एल्विश भैया के बारे में बात नहीं करूंगी, नहीं तो उनकी सपोर्टिंग आर्मी जो उनका सपोर्ट हर गलत और सही फैसले में करती है वो आकर मुझे ट्रोल करना शुरू कर देगी। निकलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिल्मी जाट गर्ल को एक बार फिर आपको याद दिला रहे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बढ़िया कॉन्टेंट मिलता है आपको यहाँ पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।